लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। 2023 में विधानसभा तो वहीं 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। इस लिहाज से मध्य प्रदेश के हृदय अंचल छिंदवाड़ा से ना सिर्फ प्रदेश बल्कि देश की राजनीति भी शुरुआत होती है। वैसे तो छिंदवाड़ा कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, किंतु इस बार प्रदेश के धुरंधर नेता बल्कि देश के राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले नेता भी अपनी नजरें छिंदवाड़ा में गड़ाए हुए हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में छिंदवाड़ा में ना सिर्फ भाजपा बल्कि कांग्रेस का भी फोकस रहता है। देश के गृह मंत्री अमित शाह का दौरा भी इसी परिपेक्ष में देखा जा रहा है। चुनावी गणित और रिजल्ट की तो 6 माह प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, लेकिन आज के भाजपा के इस आयोजन पर जहां एक और भाजपा अति प्रसन्न चित्त मुद्रा में सफल आयोजन का आगाज के रूप में प्रदर्शित कर रही है, तो वही विपक्ष इसे फ्लॉप शो करार दे रहा है। अब प्रतीक्षा की जा सकती है कि राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले देश के गृह मंत्री अमित शाह कांग्रेस कमलनाथ के में सेंध लगाने में कामयाब हो गए, या फिर कमलनाथ अपना गढ़ बरकरार रख पाएंगे, ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा। हालांकि इस बार भाजपा संगठन ने अपनी मेहनत के बल पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने में कड़ी मशक्कत की है, और इसका श्रेय भाजपा जिला अध्यक्ष बंटी विवेक साहू और उनकी टीम को जाता है। छिंदवाड़ा के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 3400 करोड़ रुपए का बजट दिया और 1,26,000 हेक्टर भूमि को माचा गोरा जलाशय के माध्यम से सिंचित करने का काम हमारे शिवराज जी ने दिया। छिंदवाड़ा में एम्स से संबंध अस्पताल के लिए 800 करोड़ रुपया दिया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क की योजना के तहत 100 करोड़ रुपया की लागत से 30 रोड बनाए। लगभग नेशनल हाईवे के रिपेयरिंग में 412 करोड़ खर्च किए। छिंदवाड़ा से नागपुर और छिंदवाड़ा से मंडला ट्रेन की लाइन को भी दोहरीकरण करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, नरेंद्र मोदी कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा तो दिया, गरीबों के लिए कोई काम नहीं किया। 9 साल के अंदर मोदी जी ने देश के 80 करोड़ गरीबों के जीवन के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन लाने का काम किया। 60 करोड़ लोगों के परिवार में बैंक अकाउंट पहुंचाया। 13 करोड़ लोगों को घर में गैस का सिलेंडर दिया। 10 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय पहुंचाया। 3 करोड़ लोगों को अपना स्वयं का घर देने का काम किया। 60 करोड़ गरीबों को 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत। NBC News के लिए छिंदवाड़ा से शेखर राजपूत की रिपोर्ट।